मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे दही पापड़ी। दही पापड़ी बनाने के लिए मैंने एक बाउल मैदे का लिया हुआ है। ये डाल देते हैं मैदा को, आधा बाउल सूजी, सूजी को भी डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच तेल डालेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मैंने 1 गिलास पानी का लिया हुआ है, डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो मैंने 1 गिलास में 1/4 हिस्से का पानी मिक्स किया हुआ है। तो मैंने डो लगा लिया है, बनाना शुरू करते हैं। 2 हिस्से में तोड़ लेते हैं, लोई बना लेते हैं। मैं थोड़ी बड़ी बड़ी बनाती हूँ। तेल लगा लेते हैं, लोई को रख देते हैं। बेल लेते हैं, इसको पतला बेलना है रोटी की साइज में। तो मैंने बेल लिया है, मैंने 1 गिलासी ली हुई है, इसे कट कर लेते हैं। मैंने पापड़ी को कट कर लिया है, यह एक्स्ट्रा आटा निकाल देते हैं। पापड़ी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं सभी पापड़ी ऐसे ही बनाऊंगी। इसमें छेद कर लेते हैं, फूलनी नहीं चाहिए पापड़ी, ऐसे कांटे से छेद कर देंगे सभी पापड़ियों में। कढ़ाई रख दिया, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है, पापड़ी डाल देते हैं। पापड़ी फ्राई हो चुकी है, बाहर निकाल लेते हैं। कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है, तो ये पापड़ी भी फ्राई हो चुकी है। मैंने सभी पापड़ियों को फ्राई कर लिया है, बाहर निकाल लेते हैं। पापड़ी को मैंने प्लेट के अंदर रख दिया है। मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हुए हैं, ये कट कर लिए, ये डाल देते हैं। मैंने 1 छोटा बाउल दही का लिया हुआ है, दही को मैंने फेंट लिया था, दही डाल देते हैं। इमली की चटनी डाल देते हैं। हरी चटनी डाल देते हैं। चुटकी भर नमक डाल देते हैं। लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं। भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। दही पापड़ी बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल के ऊपर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें।